हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज एक हम एक स्वार्ज़कॉफ कंपनी का स्ट्रेटनिंग देखने वाले हैं, स्मूथनिंग देखने वाले हैं। तो ये 0 नंबर है स्वार्ज़कॉफ का, ये वर्जिन हेयर में यूज़ करते हैं। ज़्यादा कर्ली हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ न्यूट्रलाइजर था जो एक ऑरेंज कलर के इसमें आ रहा था, और रेड कलर में जो आता है वो फर्स्ट क्रीम आती है। तो ये हम फर्स्ट क्रीम का एप्लीकेशन कर रहे हैं उनके बालों में, रूट में नहीं लगा रहे हैं ये, बस रूट से छोड़ के 1 इंच छोड़ के पूरे बालों में हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले हमने बस इनके बालों में शैम्पू वॉश किया है, उसके साथ हमने कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं किया है। अगर आप जब भी स्मूथनिंग करना स्टार्ट करोगे क्लाइंट के साथ, तो आपको अच्छे से 2 बार शैम्पू कर लेना है उनके बालों में। अगर आप शैम्पू ठीक से नहीं करोगे तो ऑयल रह जाएगा, फिर आप जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हो वो प्रॉपर पेनिट्रेट नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, जब भी आप कर रहे हो तो 2 बार अच्छे से शैम्पू कर लो, देन क्रीम लगाना स्टार्ट करो। क्योंकि जब भी आप शैम्पू कर देते हो तो जो क्यूटिकल लेयर होती है हमारी वो ओपन हो जाती है, और हमारी जो थर्ड लेयर है कॉर्टेक्स लेयर, वहाँ तक ये प्रोडक्ट पेनिट्रेट होता है। तो कभी भी आप जब भी स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि पहले अच्छे से शैम्पू कर लो विदाउट कंडीशनर। कंडीशनर आपको लगाना नहीं है। अगर आप कंडीशनर लगाओगे तो जो हमारी क्यूटिकल लेयर है वो क्लोज हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट डीप तक पेनिट्रेट नहीं होगा, जिससे आपकी स्मूथनिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है छोटी छोटी चीज़ें, और जो भी आप क्रीम ले रहे हो वो उनके बालों के हिसाब से चूज़ करके लो। स्वार्ज़कॉफ में 3 टाइप के ये आती है स्मूथनिंग क्रीम ग्लैट में, जो फर्स्ट में हम यूज़ करते हैं 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। जो 0 नंबर है वो ज़्यादा वर्जिन हेयर और कर्ली हेयर में यूज़ होता है, आप इसे हीना में भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो आता है 1 नंबर, जो 1 नंबर है वो आपको जैसे थोड़े केमिकल रिलेटेड यानी कलर किया है तो आप उनके बालों में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आती है 2 नंबर क्रीम, अगर समझो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बाल हो गए हैं, कलर है, स्ट्रेटनिंग है प्रीवियस, तो तब आप 2 नंबर यूज कर सकते हो। और सबका टाइमिंग अलग अलग है, जब भी आप ये स्मूथनिंग सारी चीज़ें करते हो तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि मैं सारे बालों का विजुअल चेक करता हूँ। तो आप भी प्रॉपर, जैसे कि कुछ लोग करते हैं, मैंने क्रीम लगा दिया, मैं 45 मिनट अभी मैं वेट करूँगा, तो दोस्तों इतनी ज़रूरत नहीं है आपको 45 मिनट वेट करने की। अगर आप ज़्यादा देर तक ये क्रीम रखोगे तो बालों के जो बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा ब्रेक हो जाएंगे, जिससे कि बालों में स्प्रिंग जैसे बाल हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है इन सारी चीज़ों का, आप जब भी बालों के हिसाब से ही आप क्रीम चूज़ कर लो। और रूट में ये क्रीम बिल्कुल ना लगाएं, अगर आप ये रूट में लगा देते हो तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट को प्रॉब्लम आ सकती है उनके बालों के साथ। तो दोस्तों, आप जब भी क्रीम लगाओगे प्रॉपर नेप से स्टार्ट करो, और जितना हो सके उतना फास्ट एप्लीकेशन करो। अगर आपका एप्लीकेशन जल्दी जल्दी नहीं होगा तो जो नीचे के बाल है ऑलरेडी वो प्रोसेस हो जाएंगे, फिर वहाँ पे क्लाइंट को प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको जितना हो सके प्रॉपर ध्यान देते हुए ये सारी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों, मैंने इनके बालों में वेट हेयर में एप्लीकेशन किया है, और जो एप्लीकेशन बस शैम्पू किया है मैंने, शैम्पू के बाद बालों को बिल्कुल ड्राई नहीं किया, और वेट हेयर में मैंने ये एप्लीकेशन स्टार्ट किया। तो दोस्तों, आप जब भी शैम्पू करते हो तो 2 बार अच्छे से शैम्पू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर शैम्पू नहीं करोगे तो ऑयल अगर रह जाएगा, डस्ट रह जाएगा, तो प्रॉपर आपका एप्लीकेशन ठीक से नहीं होगा तो क्लाइंट के बालों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो 2 बार शैम्पू कर लो, कंडीशनर नहीं करना है आपको। फर्स्ट वॉश में अगर आप कंडीशनर करोगे तो क्लाइंट के हेयर क्लाइंट में प्रोसेस ही नहीं होगा, क्योंकि कंडीशनर जो है आपके क्यूटिकल को क्लोज करता है, और जो शैम्पू होता है वो क्यूटिकल को ओपन करने का काम करता है। तो दोस्तों, जो बेसिकली स्वार्ज़कॉफ जो प्रोडक्ट है वो एक बाहर का प्रोडक्ट है, यानी इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, जो ज़्यादा यानी उसका जो मेन पैकेजिंग है वो जर्मनी से आता है इंडिया में, और ये बेसिकली जर्मनी का ही कंपनी है।
तो दोस्तों बेसिकली आप जब भी देखोगे तो आपको प्रॉपर रूट से एप्लीकेशन करना है, रूट में छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको ये पूरे बालों के ऊपर एप्लीकेशन करना है। तो अब मैं थोड़ा रूट से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी रूट को छोड़ के स्टार्ट कर रहा हूँ। देख सकते हो आप पूरा मैं लेंथ पे प्रॉपर एप्लीकेशन कर रहा हूँ। आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी क्लाइंट के रूट तक आप ना पहुँच पाए, यानी रूट पे आपको बिल्कुल भी ये क्रीम को टच नहीं करना है। बहुत लोग होते हैं जो रूट में ये क्रीम टच कर देते हैं, जिससे क्लाइंट का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ होता है। तो आप जब भी स्मूदनिंग, स्ट्रेटनिंग या ये सारी चीज़ें करते हो केमिकल वाली, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्लाइंट के रूट में ये क्रीम अप्लाई नहीं होना चाहिए। और इसमें जो प्रोडक्ट्स है शॉर्टकॉप में, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स शॉर्टकॉप में आते हैं। स्मूदनिंग के भी 3 टाइप है, तो स्मूदनिंग में ग्लैड जो है, उनका ग्लैड नाम से स्मूदनिंग क्रीम आता है, उसका जो उसमें 3 क्रीम्स है, 0, 1, 2। तो जो 0 नंबर है वो बेसिकली ज़्यादा केमिकल, यानी 0 जो है वो आप जैसे वर्जिन हेयर है, कर्ली हेयर है, हीना लगाई है, वो स्ट्रॉन्ग कोटिंग है, तो आप 0 नंबर यूज कर सकते हो। और अगर कोई जैसे कि कलर किए हुए बाल है तब आप 1 नंबर यूज़ कर सकते हो। और जो 2 नंबर है वो बेसिकली आपको जैसे स्मूदनिंग भी है, कलर भी है, ज़्यादा सेंसिटिव बाल है, तो आप 2 नंबर यूज़ कर सकते हो। तो शॉर्टकॉप में 0 नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीम है, और जो 1 नंबर है वो थोड़ा माइल्ड, और सबसे माइल्ड है 2 नंबर वाला क्रीम, 1 नंबर दोनों में चल जाता है। तो दोस्तों अब देख सकते हो दोनों साइड से हमने 4 दो लोगों ने एप्लीकेशन किया है, क्योंकि मुझे फास्ट एप्लीकेशन करना था और यहाँ पे बहुत फास्ट एप्लीकेशन हो रहा है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप जब भी स्मूदनिंग करते हो तो फास्ट एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप जब भी स्टार्ट करोगे तो नेप एरिया से स्टार्ट करो। नेप एरिया से अगर स्टार्ट करते हो तो आपको बीच बीच में आपको चेक करना है कि एंड के जो बाल है वो प्रोसेस हुए है या नहीं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो जाता है आप नीचे से एप्लीकेशन करते हो, आगे जाने तक पीछे के बाल प्रोसेस हो जाते, जिससे पीछे ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं बाल। तो आपको प्रॉपर ये याद रखना है कि पीछे जब भी एप्लीकेशन करोगे तो फास्ट एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन फास्ट नहीं है तो थोड़ा प्रैक्टिस करो इस सारी चीज़ों का, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं किया, फास्ट एप्लीकेशन नहीं किया, तो बाल डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये सिचुएशन में हम लोगों ने पहले बस वॉश किया है शैम्पू से, और शैम्पू के वॉश होते ही हम लोगों ने ये क्रीम स्टार्ट किया है। हमने बिल्कुल भी कंडीशनर यूज़ नहीं किया है। अगर हम ज़्यादा आप लोग जो है जब भी ये केमिकल सर्विसेज करते हो तो आपको कंडीशनर नहीं यूज़ करना है। स्टार्टिंग में ही आपका फर्स्ट क्रीम हो जाए देन आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, बट आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है। इसका रीज़न है कि अगर आप जब भी फर्स्ट शैम्पू करते हो तो आपकी जो क्यूटिकल लेयर है वो ओपन हो जाती है, और उसके बाद आप जब प्रोडक्ट लगाते हो ये तो ये डीप तक प्रोडक्ट पहुंचता है, जहां हमारे बॉन्ड्स होते हैं कोटेक्स लेयर तक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंडीशनर ना लगाएं और बस शैम्पू करना है, और आपको ये जो क्रीम है ये बाकी लेंथ पे लगानी है वेट हेयर में। बहुत लोग ये ड्राई हेयर में भी लगाते हैं, तो दोस्तों ये कुछ गलत नहीं है। तो सबका अलग अलग टेक्निक होता है, तो आप ड्राई हेयर में भी ये लगा सकते हो, बट मेरा टेक्निक जो है मैं ज़्यादातर गीले बालों में लगाता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मॉइस्चर पसंद है बालों में, ज़्यादा सॉफ्टनेस पसंद है। और जो भी आप स्मूदनिंग करते हो तो वेट हेयर में ही एप्लीकेशन करो, जिससे बालों में मॉइस्चर रहे, बाल एकदम सॉफ्ट रहे और बालों में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि स्मूदनिंग का नाम ही है स्मूदनिंग, यानी स्मूथ। तो याद रखना है आपको कि जब भी आप स्मूदनिंग करते हो तो आपको वेट हेयर में ही एप्लीकेशन करना है। तो अब ये मेरा दोनों साइड का एप्लीकेशन हो चुका है, बस एक साइड का एप्लीकेशन बाकी है। तो देखो दोस्तों, मैं रूट में बिल्कुल भी टच नहीं किया है, आप पूरे बाल देख सकते हो। अगर आप ये रूट में लगा देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है क्लाइंट को स्कैल्प में। तो ये सारे बालों में एप्लीकेशन देखो लगभग होने को है। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि आप शॉर्टकॉप इसी कंपनी का जो लास्ट मैंने कलर किया है उसी कंपनी का स्मूदनिंग दिखाओ,
तो इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों देखो ये एप्लीकेशन हो चुका है, आप देख सकते हो रूट में ये बिल्कुल भी मैंने टच नहीं किया है। उसके बाद जो है मैंने पूरे बाल पहले क्रीम से जो क्रीम लगी थी उसे निकाला, उसके बाद उसे जो स्वार्ज़कॉफ का कंडीशनर है रिपेयर रेस्क्यू या फिर आप ट्रीटमेंट भी लगा सकते हो रिपेयर रेस्क्यू का, उसके बाद उसे 2-3 मिनट रखना है, उसके बाद उसे रिंस आउट करना है, उसके बाद टॉवल ड्राई प्रॉपर ड्राई करने हैं आपको बालों को, उसके बाद आप आयरन स्टार्ट कर सकते हो छोटे छोटे सेक्शन लेके। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है ये भी पार्ट, क्योंकि अगर आप आयरन प्रॉपर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। और जो फर्स्ट क्रीम हमने विजुअल चेक किया था, ये जो है वो जो मैंने क्लाइंट के ऊपर अप्लाई किया था ये है 1 नंबर स्वार्ज़कॉफ का, ये थोड़ा माइल्ड क्रीम आता है, और जो स्ट्रॉन्ग होता है वो 0 नंबर आता है, 2 नंबर जो है इससे और ज़्यादा माइल्ड होता है। और उसके साथ ही हम अभी आयन भी कर रहे हैं बीच बीच में, आप देख रहे हो आयन बहुत ज़रूरी है कि आप आयन कैसे करते हो। तो जो मैंने फर्स्ट क्रीम लगाई है क्लाइंट के बालों में तो ये मैंने कुछ 45 मिनट के लिए नहीं रखा है, इसे मैं बार बार विजुअल चेक करता रहा 10 मिनट्स के लिए। तो आप भी जब भी ये कुछ भी जब भी करते हो, स्ट्रेटनिंग हो गया, रिबॉन्डिंग हो गया, स्मूथनिंग हो गया, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप विजुअल चेक ही करो 10 मिनट के बाद, फिर आपको पता चल जाएगा कि बालों में बॉन्ड ब्रेक हुए या नहीं। उसके बाद आयन करो प्रॉपर, उसके बाद ये देखो ये न्यूट्रलाइज़र है स्वार्ज़कॉफ कंपनी का ग्लैड का, तो आपको ये एप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में लोग पहले बोर्ड यूज़ करने के, बड़ा भी बोर्ड की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रॉपर एप्लीकेशन करते हो और बालों को ठीक से नीचे कोम आउट करके रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों न्यूट्रलाइज़र में क्लाइंट को भी आपको बोलना है कि वो हिले ना, अगर वो हिल जाते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है इसका काम ही होता है कि बालों को जिस पोजीशन में है उसे फिक्स करना, तो ये फिक्सर भी बोलते हैं न्यूट्रलाइज़र को। तो आपको ध्यान देना है, आप न्यूट्रलाइज़र जब लगाओगे तो उसे प्रॉपर लगाना है। आप इससे भी रूट में एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, अगर आप ये रूट में एप्लीकेशन करते हो तो आपको डैंड्रफ के चांसेस क्लाइंट के हेयर में हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो प्रॉपर एप्लीकेशन हो रहा है रूट से लेंथ तक, तो यहाँ पे भी आपको गलती नहीं करनी है, प्रॉपर न्यूट्रलाइज़र करना है। और आयन भी आप देख रहे हो कितना परफेक्शन में मैंने किया है। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक चीज़ें, आप स्मूथनिंग जब भी करते हो तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में देना है, प्रॉपर एप्लीकेशन, फर्स्ट क्रीम भी आपको बहुत फास्ट लगानी है, उसके बाद होता है आपका आयनिंग भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद होता है न्यूट्रलाइज़र को भी आपको बहुत प्रॉपर तरीके से लगाना है, कहीं पे लगा है कहीं पे नहीं लगा है ऐसे सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो दोस्तों अब मैं ये न्यूट्रलाइज़र का फाइनल टिंच ये कर रहा हूँ बालों में, उसे लगा के प्रॉपर छोड़ रहा हूँ। तो देख सकते हो क्लाइंट का जो नेक का पोजिशन है वो भी एकदम प्रॉपर है, अगर क्लाइंट हिलता है तो वहाँ पर वेव आने के चांसेस होते हैं। तो आपको आप जब भी स्मूथनिंग करोगे तो ये ज़रूरी याद रखना कि क्लाइंट को हिलने ना देना 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि हम जो न्यूट्रलाइज़र लगते हैं वो है वो बस 10 मिनट्स रखते हैं। तो दोस्तों ये अभी नेप एरिया हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम सामने आ चुके हैं, सामने का थोड़ा ही पार्ट बचा हुआ है उसे मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो मैं रूट में बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ध्यान देना है जब भी आप स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपको रूट में ध्यान देना है और रूट में लगाना नहीं है क्योंकि उनको डैंड्रफ हो सकता है। तो आप देखो प्रॉपर कोम आउट किया और मैं प्रॉपर बालों को नीचे रख रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं प्रॉपर रूट के पास से प्रॉपर बालों को पूरा जो है न्यूट्रलाइज़र लगा रहा हूँ। तो दोस्तों और कुछ भी और चीज़ें आपको सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट में बता दो कि मुझे ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है, स्मूथनिंग में ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको सीखने के लिए ये करता हूँ। मुझे ज़्यादातर जो नए न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये कर रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो जो बेसिक लेवल पे रहते हैं और बहुत लोग प्रॉपर नहीं सीखा पाते। तो दोस्तों आप ये सारी चीज़ें सीखो और लोगों को भी बताओ, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज शेयर करो, शेयर करने से खुद का नॉलेज बढ़ता है। तो जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करो और कमेंट करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहो और मैं आपके लिए और नई नई चीज़ें ला सकूँगा। और मैं बहुत लोग बोलते कि आप जब करते हो तो हम भी ये सारी चीज़ें घर पे करते हैं, तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो आप भी ये सारी चीज़ें करते रहो और एक अच्छे प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बनो। तो दोस्तों उसके बाद बस प्लेन रिंस आउट करना है, जो क्रीम हमने न्यूट्रल लगाया उसे रिंस आउट करना है। तो उसके साथ सेम आपको रिपेयर रेस्क्यू स्वार्ज़कॉफ का कंडीशनर या फिर ट्रीटमेंट उनके बालों पे लगाना है, उसे 2-3 मिनट तक छोड़ना है। तो देखो दोस्तों जैसे भी वॉश करो तो कितना शाइन आ रहा है उनके बालों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद देखो मैंने इनके बाल पूरे ड्राई कर दिए, ड्राई करके बस आपको पैडल ब्रश या फिर प्रॉपर ब्लो ड्राई करके उनको छोड़ना है। क्लाइंट को 3 दिन तक बोलना है कि कान के पीछे नहीं ले, 1 मंथ ऑयल नहीं लगाए, बालों को पानी नहीं लगने देना है 3 दिन, और उनको 3 दिन के बाद आपको सलोन में ही बुलाना है वॉश के लिए। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। देखो मैं बस पैडल से हल्का हल्का सेट करके ले रहा हूँ उनके बाल। तो दोस्तों देखो अभी ये ऑलमोस्ट आपका प्रोसीजर हो गया। तो उसके साथ आपको सीरम लगाना है वेट हेयर में एक बार और ड्राई हेयर में एक बार, यानी जब भी आपका फर्स्ट वॉश हो जाए, जैसे लास्ट वॉश हो जाए उसके बाद जैसे टॉवल ये करते हो तो आपको पहले सीरम लगाना है, उसके बाद डिटैंगल करना है और ड्राई करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों देखो कितना शाइन है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, मॉइस्चर लेवल कितना अच्छा है बालों में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी स्मूदनिंग करते हो तो मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए, तब जाके वो स्मूद और स्ट्रेट दिखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल, और ऐसे ही वीडियो देखते रहो। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे बता दो। तो दोस्तों ये फाइनल रिज़ल्ट है, तो आपको दिख रहा है कितने अच्छे हुए बाल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो देखते रहो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। I'm not afraid to fall.